हथियार के बल पर बदमाशों ने पुलिस के वाहन को रुकवाया। पुलिस दिखी तो भागे, तीनों बदमाशों को दबोचा। एक देसी तमंचा, तीन कारतूस व लोहे का सरिया बरामद। उपमंडल तावड़ू के अंतर्गत नुहू मार्ग पर सीलखो पहाड़ के में तीन बदमाशों द्वारा लूट के इरादे से अवैध हथियारों के बल पर पुलिस वाहन को रुकवाने का मामला सामने आया है। लेकिन जैसे ही बदमाशों को रुकवाए गए वाहन में पुलिस होने की भनक लगी तो भागने का प्रयास किया। हालांकि तीनों बदमाशों को दबोच लिया गया, जिनसे तीन कारतूस, एक देसी तमंचा और एक लोहे का सरिया मिला है। अपराध जांच शाखा तावड़ू टीम की शिकायत पर सदर तावड़ू थाने में तीनों आरोपियों के विरुद्ध केस दर्ज हुआ है। पुलिस प्रवक्ता से मिली जानकारी के मुताबिक बीते सोमवार को देर शाम तावड़ू सीआईए एक टीम सरकारी वाहन में नुहू जा रही थी। सीलको पहाड़ में बंद धर्मकांटे के नजदीक गाड़ी पहुंची तो सामने तीन युवक आए, जिन्होंने हाथों में लिए हथियारों के बल पर गाड़ी को रुकवाया। इस दौरान एक युवक चालक की गर्दन पर हथियार तान कर बोला, जो भी तुम्हारे पास है निकाल दो। चालक ने गाड़ी की लाइट जलाई तो तीनों पुलिस को वर्दियों देखकर भागने लगे, जिन्हें जवानों ने दबोच लिया, जिनसे एक देसी तमंचा, तीन कारतूस और एक लोहे का सरिया बरामद हुआ है। पूछताछ में तीनों युवकों ने अपनी पहचान नदीम वारिस और उमर खान निवासी गांव छारोड़ा तहसील तावड़ू बतलाई। सदर थाना पुलिस ने उपरोक्त तीनों के विरुद्ध केस दर्ज कर लिया है।